सो हे गाइस, दिस इज़ गौतम शिवम बैक अगेन विद ए न्यू अमेजिंग वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो है के टी एम ड्यूक 390 के ऊपर। आज मैं आपको इस वीडियो में ड्यूक 390 के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और साथ में आप मेरे को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं के टी एम ड्यूक 390 के नेगेटिव पॉइंट्स की। इसका जो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो इसका रेडिएटर। के टी एम जो है उसका इंजन का जब टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर जाता है तो इसमें सेंसर जो है वो ऑन हो जाते हैं, उसके कारण जो रेडिएटर का फ़ैन है वो कूल करने के लिए इंजन को ऑन हो जाएगा। लेकिन उस फैन की जो है वो साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा आती है, उसकी जो नॉइस है काफ़ी इरीटेट करेगी आपको जब आप सिटी में इस बाइक को राइड करेंगे। इसका जो सेकंड नेगेटिव पॉइंट है वो है हीटिंग। के टी एम ड्यूक 390 जो है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है जिसका इंजन है वो 370 cc का रहेगा, और 370 cc का इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन रहता है। इस वजह से अगर आप समर सीज़न में, आजकल जो टाइम है वो समर्स का है, और समर्स में अगर आप चप्पल डाल के इस बाइक को चला रहे हैं तो इसकी जो हीट है वो सीधे आपके पैरों पे आके गिरेगी और आपके पैरों को वो इरिटेट करेगी, आपको बहुत ज़्यादा हीट लगेगी पैरों पे, और सम टाइम्स तो ये पैरों को बिल्कुल जला भी देती है अगर आप इसे लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं बाइक को। इसलिए आपको समर सीज़न में भी शूज़ जो हैं वो डालने पड़ेंगे। और इसका जो हीटिंग का मेन रीज़न है वो इसका सिलेंडर। इसमें सिलेंडर जो सिंगल लगाया गया है, सिंगल सिलेंडर जो होता है उसके जो कंप्रेशन रेशियो है वो काफ़ी कम रहती है, इस वजह से हीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका जो थर्ड नेगेटिव पॉइंट है वो इसका कंफर्ट लेवल। इसका कंफर्ट लेवल जो है काफ़ी लो है, क्योंकि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 185 mm, और 185 mm जो है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से जो सीट हाइट है वो बन गई है 830 mm, 830 mm की इसकी सीट हाइट रहेगी, जिसके कारण इसे जो राइडर जिसकी हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच से कम है वो इस बाइक को नहीं चला सकते हैं, और इससे ऊपर के जो राइडर चलाएंगे उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगी जब वो टूरिंग पे हैं या ऑफ रोड चलाएंगे। या आजकल हम अगर हमारे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में हिली एरियाज हैं, वहाँ पे भी ये थोड़ा सा बाइक जो है वो दिक्कत पैदा करती है। इसलिए आपकी हाइट जो है वो अराउंड 5'6" या 5'7" जो वो होनी ही चाहिए। अगर आप उससे थोड़ी कम आपकी हाइट है तो आपको राइडर शूज़ जो हैं वो पहनने पड़ेंगे। शूज़ डाल के अगर आप बाइक को चलाते हैं तब आपको इतनी दिक्कत ये पैदा नहीं करेगी। इसका जो फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है वो इसकी सीट पोजीशनिंग। इसकी जो सीट है वो काफ़ी कम्पैक्ट है। अगर हम राइडर सीट की बात करें तो वो भी कम्पैक्ट है, और जो पिलियन है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट है। तो अगर आप रेगुलर जो है वो अपने साथ पिलियन को कैरी कर रहे हैं, आपके साथ कोई ना कोई बाइक पे बैठ के जा रहा है, अगर आप कहीं बिजनेस के लिए जा रहे हैं या अगर आप किसी अपने काम के लिए जा रहे हैं और हर टाइम आपके साथ जो है वो पिलियन जाता है, आपके साथ कोई ना कोई जो है वो लोग जो है वो बैठते हैं बाइक के पीछे, तो आपको ये सीट जो है बिल्कुल तंग करेगी। और अगर हम राइडर सीट की बात करें तो राइडर सीट जो है वो कम्पैक्ट है। इस वजह से अगर आप जो है वो टूरिंग पे जाते हैं या आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तब भी आपको ये सीट जो है काफ़ी दिक्कत पैदा करने वाली है। इसका जो फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट है वो है वॉशिंग का। जब आप इस बाइक को क्लीन करवाते हैं तो ये तब भी दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी कम्पैक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो एक तरह से हम बोलें तो काफ़ी ज़्यादा वो हैं कम्पैक्ट लगाए गए हैं, और जिस वजह से इसका जो देखो अगर आप इसके मोनोशॉक को देखें या चेन कवर को देखें या इंजन के इस गार्ड को देखें, सब कुछ देखें, तो काफ़ी टाइट जो इसकी पैकिंग की गई है, और उस टाइम पर जो क्लीनिंग है वो काफ़ी मुश्किल कर देती है बाइक। और इसका जो एक दूसरा है वो है डर्ट का। ये डर्ट भी बहुत जल्दी बाइक जो उठाती है रोड से अपने ऊपर, तो आपको वॉशिंग तो ये हर मंथ ही करवानी पड़ेगी इसकी, तो ये वॉशिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो दोस्तों ये थे इसके 5 नेगेटिव पॉइंट जो मैंने आपको बताए। अगर आपको कोई और इसके 5 नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं उनके अलावा भी कोई और पॉइंट्स जो हैं वो आपको लगते हैं इसमें नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर मेंशन करें, और ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में उन पॉइंट्स को बता पाऊँ। अब बात करते हैं के टी एम ड्यूक 390 के पॉजिटिव पॉइंट्स की। इसका जो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट रहेगा वो इसका डिज़ाइन का। इसकी लुक जो है काफ़ी बढ़िया है, आई कैची लुक है, खासकर यंगस्टर के लिए, जो यंगस्टर हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया इसकी लुक रहती है, अग्रेसिव है। उसका जो मेन रीज़न है वो इसकी हेडलाइट। इसकी हेडलाइट जो है वो काफ़ी सही है, टैंक जो है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी सही रहता है, और इस वजह से ये काफ़ी बढ़िया जो है वो बाइक लगती है।
और इसका जो दूसरा है वो है इसका कंसोल। इसका जो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट्स है वो इसका कंसोल, इसका मीटर। इसके हम मीटर की बात करें तो इसके मीटर में आपको TFT स्क्रीन मिलती है। TFT स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन रहती है और उसके आप टच करके हैंडल कर सकते हैं और साथ में आपको बटन्स भी दिए जाते हैं। काफ़ी बढ़िया इसकी स्क्रीन रहती है, काफ़ी बेस्ट है इस रेंज की बाइक्स में। लेकिन इसके हम इंटरफेस की बात करें तो इसका इंटरफेस जो है वो सब बेसिक डिटेल के साथ ही चलता है। जो बेसिक डिटेल्स मिलती हैं जैसे टैकोमीटर, ऑडियो या स्पीड या सर्विस जो भी है वो बेसिक डिटेल्स रहेंगी। लेकिन इसमें 2-3 फीचर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। एक जो है वो इसका फ़ोन कनेक्टर, इसके साथ आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। और जो सेकेंड है वो है मोड्स, आप डिफरेंट मोड्स को सेट कर सकते हैं अपनी बाइक के, जिस हिसाब से आपने बाइक को चलाना है और जिस हिसाब से आपने कहीं इसे लेके जाना है। तो इसमें डिफरेंट मोड्स भी हैं, वो भी इस मीटर को काफ़ी बढ़िया बनाते हैं। काफ़ी अच्छा जो है इसका मीटर रहेगा और 390cc की इस बाइक का जो मीटर है काफ़ी बढ़िया है और ऐसा मीटर आपको किसी और रेंज की बाइक्स में देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो थर्ड पॉजिटिव पॉइंट्स रहेगा वो है ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 185mm है और काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं अपने हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में अगर आप ऑफ रोड भी इस बाइक को लेके जाते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस जो काफ़ी सही है, आपकी गाड़ी जो है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगी, काफ़ी सही है। और इतनी ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी सही रहती है हमारे रोड्स के लिए। रेगुलर भी आप इस बाइक को अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगी। इसका जो फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है वो इसकी ब्रेकिंग और साथ में डाउन शिफ्ट जो इसके रहेंगे गियर्स और स्लीपर क्लच, उसके हम बात करेंगे। अगर हम इसकी ब्रेकिंग की बात करें सबसे पहले, तो जब भी आपने कभी बाइक चलाई होगी और ब्रेक्स को आप अप्लाई करते हैं तो जर्क आपको महसूस होती है, जर्क जो है वो महसूस होती है। लेकिन हालांकि जो ABS की बाइक्स हैं उनके जो जर्क है वो काफ़ी कम कर दी गई होती है क्योंकि उसमें जर्क को बिल्कुल ख़त्म किया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी ना थोड़ी तो जर्क रहती है। लेकिन इस बाइक में जो डुअल चैनल ABS सिस्टम लगाया गया है उसमें जर्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल ख़त्म है। मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि थोड़ी सी जर्क है, बिल्कुल ख़त्म है इसकी जर्क, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और दूसरा जो है वो उसका डाउन शिफ्ट इंडिकेटर्स, मतलब डाउन शिफ्ट इंडिकेटर्स मींस जो अगर आप गियर को अगर डाउन कर रहे हैं या अप कर रहे हैं तो उसके टाइम भी काफ़ी बढ़िया रिस्पांस देती है ये। और उसका जो मेन रीज़न है वो है स्लीपर क्लच। अगर आप किसी भी स्पीड में हैं तो स्लीपर क्लच जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल जो है वो अपना प्ले करता है। स्लीपर क्लच की वजह से आपको स्पीड डाउन नहीं करनी पड़ती, जिस स्पीड में चल रहे हैं वही उसी स्पीड में आप गियर को डाल देते हैं और काफ़ी बढ़िया जो है वो रिस्पांस आपको ये बाइक जो है वो देगी। KTM ड्यूक जो है काफ़ी मस्त बाइक जो है वो इस टाइप में रहती है। इसका जो फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है वो इसका पावर परफॉर्मेंस का। इसकी पावर जो काफ़ी बढ़िया है, इसका इंजन जो है वो मैंने बताया कि 370cc का रहता है और इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 43.5 PS रहेगी। और ये पावर जो काफ़ी सही है और काफ़ी ज़्यादा भी है। और अगर हम इसके सेकंड्स की बात करें कितने सेकंड्स में 100 की स्पीड कैप्चर कर लेगी, तो ये ओनली सिक्स सेकंड में जो है वो 100 की स्पीड जो कैप्चर कर लेती है, क्योंकि हाई पावर की ये गाड़ी रहती है, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन जो न्यू इस बाइक को लेंगे या जो न्यू राइडर इस बाइक को चलाएगा उसको इसकी पावर के साथ थोड़ा सा घुलने मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगे, घुलना मिलना मतलब वो इसकी तरफ से उसको पता नहीं चलेगा कैसे मैंने इसका थ्रॉटल देना है, क्योंकि इसमें जो थ्रॉटल है बड़े हिसाब से दिया जाता है। अगर आप नॉर्मल बाइक चलाते हैं, अगर आप पल्सर चलाते हैं या TVS चलाते हैं तो उनकी तरह इसका थ्रॉटल नहीं है दिया जाता है, क्योंकि जो KTM उसकी हाई पावर है, इसे थ्रॉटल जो है उसके साथ आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि इसका थ्रॉटल जो है कैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर चलाएंगे धीरे धीरे आपको 10-15 दिन में इसके साथ आप को पता चल जाएगा कि कितना हमने थ्रॉटल इसका देना है। तो एक्सेलेरेशन इसका काफ़ी बढ़िया है, सिटी के लिए भी काफ़ी सही इसका एक्सेलेरेशन रहता है, क्योंकि अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं, सिटी में तो अक्सर बाइक को राइड करना ही पड़ता है, तो सिटी के लिए भी इसका एक्सेलेरेशन जो है वो ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू राइडर हैं और सीधा आप सिटी में ही चले जा रहे हैं इस बाइक को लेके, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार पहले गाड़ियाँ खड़ी थी, ट्रैफिक था, अगर आप जैसे एकदम से रेस को बढ़ाएंगे तो एकदम से ये भाग जाएगी, तो उस टाइम थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो आपको करना सीखना पड़ेगा। इसमें जो लो एंड टॉर्क है उसकी वजह से ये सब कुछ बातें जो है वो हो रही हैं, तो काफ़ी बढ़िया ये बाइक है। सो
तो दोस्तों ये थे इसके पांच पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने आपको बताए। अगर आपको कोई और इसमें पॉजिटिव पॉइंट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस बात को मेंशन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ में मेरे हिमाचली राइडर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर आप दबाएँ ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।